तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एड्रिनल ग्लैंड। सुनो भाई, एड्रिनल ग्लैंड की बात करूं, है ना, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड तो नाम से ही समझ में आ रहा है। एड यानी, एड मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं है यहाँ पर, एड मतलब है एडजेसेंट, है ना, और रीनल मतलब किडनी, रीनल मतलब किडनी, तो किडनी के एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, तू मेरे अगल बगल, मैं तेरे अगल बगल, ठीक है। किडनी के बगल में कौन सा ग्लैंड है, एडजेसेंट ग्लैंड है। कौन सा है, एडजेसेंट। कौन सा ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो जैसे ये किडनी है, किडनी के जस्ट बगल में ऊपर की तरफ से टोपी की तरह एकदम, ये किडनी है और किडनी के जस्ट टोपी पहन एक तरीके से है, वो कौन सा ग्लैंड है जो टोपी पहन एकदम है, तो वो है एड्रिनल ग्लैंड, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब एड्रिनल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये किडनी और इसके ऊपर टोपी पहनी हुई है, एड्रिनल ग्लैंड की किडनी है ऐसा लग रहा है। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं, कितने, दो। एक होता है बाहर वाला येल्लो येल्लो डर्टी फेलो टाइप का, इसे कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं इसे, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और मिडिल वाला मेडुला, मिडिल वाला मेडुला हो जाएगा ये, ठीक है। मिडिल वाला क्या हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या हो जाएगा, बाहर वाला, है ना, ठीक है। तो आउटसाइड होगा ये, और ये क्या होगा, मेडुला इनसाइड होगा, ये बात ध्यान में रखना। इसका पोर्शन कितना होगा, ये लगभग लगभग 80% तो होगा आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। 80% क्या होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल मेडुला कितना होगा भाई, बचा कितना, 20% ना, तो 20% क्या हो जाएगा, एड्रिनल मेडुला, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान रखना। आउटसाइड वाला है कॉर्टेक्स, इनसाइड वाला मेडुला, इनसाइड वाला मेडुला, आउटर वाला कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये कॉर्टेक्स है और ये बीच वाला मेडुला, ठीक है। चलो अब सुनो, अब हम देखेंगे कॉर्टेक्स को, किसको पढ़ेंगे, अब हम कॉर्टेक्स को पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉर्टेक्स फिर तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कॉर्टेक्स कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तीन पार्ट में, ठीक है, ठीक है भाई। अभी चैप्टर आखिरी है ना, चैप्टर का आखिरी पोर्शन है ना, तो जी एफ आर, है ना, गो फॉर रेस्ट, गो फॉर रेस्ट, ठीक है, जी फॉर, गो फॉर रेस्ट, है ना। तो भाई जो रेस्ट के लिए थोड़ा बहुत जाओ, है ना। तो जी मतलब ग्लोमेरुलोसा, एफ फॉर फेसिकुलेटा और आर फॉर रेटिकुलेट, है ना, तो रेटिकुलेटा, ठीक है, या रेटिकुलरिस, ठीक है। तो दो कितने पोर्शन हो जाएंगे, तीन, कौन कौन से, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, जी एफ आर, याद रखना जी एफ आर, ठीक है, जी एफ आर, ठीक है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। तो ये किसके पोर्शन है, ये किसके पोर्शन, किसके है ये, कॉर्टेक्स के, किसके है ये, अभी मेडुला तो पढ़ाई नहीं है अपन ने, कॉर्टेक्स के तीन पोर्शन हो गए, ठीक है। जैसे समझो ये क्या है वाला पोर्शन, बताओ जरा, देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है कैप्सूल, ये क्या है, ये कैप्सूल है, ये ठीक है सर, कैप्सूल है, समझ में आ गया, ठीक है। कैप्सूल के अंदर वाला क्या होगा, ये अंदर क्या होगा, कॉर्टेक्स, ये क्या होगा, कॉर्टेक्स, और उसके भी अंदर, सबसे अंदर मिडिल में मेडुला, क्या हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये कॉर्टेक्स जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, कॉर्टेक्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉर्टेक्स है ना, अंदर ये वाला तो मेडुला है। तो मैंने क्या किया, इसका मैंने एक जो है पिज्जा स्लाइस ले लिया, इसका मैंने क्या ले लिया, इसका पिज्जा स्लाइस लिया मैंने कुछ इस तरीके से, ठीक है, पिज्जा स्लाइस ही होता है ट्रायंगल शेप में, और वो मैंने उसका पिज्जा स्लाइस कॉर्टेक्स का वो मैंने आपको दिखाया है पिज्जा स्लाइस। तो ऊपर ऊपर जो होगा रीजन, ठीक है, जो बाहर से जो रीजन होगा सबसे बाहर, वो कौन सा होगा, जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर मिडिल वाला जोना फेसिकुलेटा, मिडिल वाला कौन सा होगा, जोना फेसिकुलेटा, और आउटर में कौन सा होगा, और मतलब आपका अंदर अनर साइड में कौन होगा, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस अंदर की तरफ से, रेटिकुलरिस अंदर, चूहे कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं ना, तो रेटिकुलरिस भी क्या होगा, अंदर, रेट, है ना, रेटिकुलरिस। और उसके बाद मिडिल में क्या होगा, बीच में फंस गया, है ना, कहते हैं ना बीच में फंस गया, तो फंस गया यानी मिडिल में, ठीक है। तो मिडिल में क्या होगा, फेसिकुलेटा, और कॉर्नर में क्या होगा, सबसे आखिरी में ग्लोमेरुलोसा, क्या होगा, ग्लोमेरुलोसा। तो टोटल ये तीन कितने पोर्शन है, ये तीनों के तीनों किसके हैं, ये कॉर्टेक्स के, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, ठीक है। तो ये तीन क्या होंगे, ये जोन हो जाएंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के, ठीक है। अब सुनो, एक ट्रिक है आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है, ट्रिक क्या है सुनना, मैगी गिव कॉफी टू सरमान, ठीक है,
भाई साहब एक लड़की एक वेट्रेस थी जिसका नाम था मैगी। अब उसका नाम मैगी क्यों था? उसके मैगी जैसे बाल थे। कैसे थे भैया? मैगी जैसे बाल थे उसके, है ना, तभी उसका नाम जो है मैगी रख दिया, घुंघराले बाल थे, है ना। और वो एक वेट्रेस थी, क्या थी? एक वेट्रेस थी। तो ठीक है, अब जो है उसने क्या किया, उसके रेस्टोरेंट में, है ना, उसके रेस्टोरेंट में एक आदमी था मान, है ना, और जो है और वेटरेस जो होती है वो या वेटर जो होगा वो रिस्पेक्ट दे करके कोई भी आएगा तो बात करते हैं, है ना। तो मैगी ने उसने कॉफी दी किसको? सरमान को। किसको दी? सरमान को। क्या दी उसने? कॉफी दी। ठीक है, क्लियर है? तो मैगी गिव कॉफी टू सर मान। ठीक है, अब देखो इससे आपकी पूरी ट्रिक, इससे आपका सब हो जाएगा, पूरा का पूरा एड्रेनल ग्लैंड क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक कि कॉर्टेक्स के हार्मोन तो हो ही जाएंगे, मेडुला के भी हार्मोन हो जाएंगे। ठीक है, बाहर वाले पोर्शन कॉर्टेक्स, अंदर वाला पोर्शन मेडुला, दोनों के हार्मोन हो जाएंगे। देखो आपको मैंने बताया था कि तीन रीजन थे, एक था जोना ग्लोमेरुलोसा, एक था जोना फेसिकुलेटा, और तीसरा कौन सा था? जोना रेटिकुलरिस। तीन रीजन थे, तीन जोन थे। अब जोना ग्लोमेरुलोसा जो है, जोना ग्लोमेरुलोसा हार्मोन निकालता है, सुनो, जितने भी कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं ना उनको कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। जितने भी हार्मोन होंगे, ठीक है, जितने भी हार्मोन्स होंगे ग्रुप 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 के हार्मोन, ठीक है, उनको अपन क्या कहेंगे? कॉर्टिकॉइड्स कहेंगे। ठीक है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकालता है। क्या निकालता है? जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नाम के ग्रुप के हार्मोन को निकालता है। ठीक है, तो इसने ये वाले इतने सारे हार्मोन निकाले मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन निकालता है। कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और जोना रेटिकुलरिस जो है ये क्या निकालता है? सेक्स स्टीरॉइड्स। ठीक है, ये नाम के हॉर्मोन्स को या इसको अपन क्या कहते हैं? सेक्स स्टीरॉइड्स को अपन क्या कहते हैं? ठीक है, एड्रेनर्जिक कॉर्टिकॉइड्स। सबके कॉर्टिकॉइड्स कहलाएंगे, कॉर्टिकॉइड्स। देख रहे हैं? तो समझ जाना, अगर कहीं भी कॉर्टिकॉइड लिखा हुआ यानी ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का हॉर्मोन है। किसका? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। क्लियर है इतनी बात? सबको बोलना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और कठिन भी है ये बात, है ना। तो कॉर्टिकॉइड्स कहलाया जाता है। अब ये बात बताना जरा, जोना फेसिकुलेटा के हार्मोनों को क्या कहेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या कहेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, और जोना ग्लोमेरुलोसा के मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जोना ग्लोमेरुलोसा के मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, और जोना रेटिकुलरिस के एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, या फिर क्या कहेंगे इसे? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, कई बार हम क्या करते हैं, देखो जोना ग्लोमेरुलोसा ये हम क्या कर देते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकालता है। देखो जी फॉर ग्लोमेरुलोसा, जी फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये गलत कर जाते हैं कई लोग, इसलिए अपन को ध्यान रखना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाला ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकाल रहा है। फेसिकुलेटा एफजी याद रखना है, फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकाल रहा है। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया ग्रुप, ये क्या हो गया? ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया? ग्रुप। जैसे तुमने देखा होगा कि एक स्कूल होता है, ये स्कूल है पूरा का पूरा, ठीक है, स्कूल के तीन जोन हो गए, होते हैं ना, जोन होते हैं या क्लब होते हैं कि नहीं होते, है ना। तो ये जो हो गए, ये तीन जोन हो गए उसके, है ना, और ये जो तीन जोन है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ये तीन जोन हो गए, ग्रुप हो गए, येलो हाउस ग्रुप ऐसा होता है ना, सुना होगा आपने, है ना। तो इस वाले में जो है, जैसे ये है, ठीक है, तो ये जो है इसका, जैसे ये एक्चुअल में मान के चलो ये पूरा का पूरा स्कूल है। क्या? ये पूरा का पूरा स्कूल है, ये पूरा का पूरा, है ना। इस स्कूल के तीन रीजन में रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा में कौन रह रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेड, या मानो ये एक तरीके से रेड हाउस है, रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, समझ रहे हो? तो ये हाउस हो गए, ये क्या हो गए? हाउस, है ना। तो ये रेड हाउस का कोई ना कोई कैप्टन होगा, मेन हार्मोन होगा, तो उसको कहेंगे कॉर्टिसोल। क्या कहेंगे उसको? कॉर्टिसोल, समझ पा रहे हो? रेड हाउस का कोई ना कोई तो कैप्टन होगा ना, उसको क्या कहेंगे? मेन कॉर्टिसोल। तो ये क्या है? पूरे ग्रुप ऑफ हार्मोन है ये, कॉर्टिकॉइड्स जैसे अपन कहते हैं, उसका मेन हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल। मेंडेलोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन क्या है? एल्डोस्टेरोन। मेंडेलोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन क्या है? एल्डोस्टेरोन। और जो है अभी मैं बताऊंगा एड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स, है ना, ये भी मैं बताऊंगा इसमें कौन आते हैं, आपके एंड्रोजन्स वगैरह आते हैं। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे। देखो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, जोना ग्लोमेरुलोसा का मेन हार्मोन क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड।
जोना हॉर्मोन, जोना ग्लोमेरुलस से लिखने का, ग्लोमेरुलो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हॉर्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन. कौन सा है? एल्डोस्टेरोन. जोना फेस्टिकुलेटर का मेन जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स निकालता है, जोना फेस्टिकुलेटर ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स निकालता है, जिसका नाम क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. क्या है उसमें मेन कौन है? कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन. देखो अब यहाँ पर कॉर्टिसोल और कॉर्टिकॉइड्स में अंतर देख रहे हो, बिल्कुल एक जैसे नाम है, कॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल. देखो कॉर्टिकॉइड्स में सब आ गए, पूरे के पूरे किसमें आ गए? ये सब कॉर्टिकॉइड्स ही कॉर्टिकॉइड्स हैं, लेकिन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसका जो मेन हॉर्मोन है उसको अपन कॉर्टिसोल कहते हैं या कॉर्टिसोन कहते हैं. आई बात समझ में? तो अंतर समझ में आ गया. यहाँ पर कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, इसलिए मैंने आपको बता दिया. क्लियर है? ऐसे ही ये जोना क्या है? जोना रेटिकुलरिस. इसमें क्या उनसे आते हैं? सेक्स स्टीरॉइड्स. क्या आते हैं? सेक्स स्टीरॉइड्स. ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? क्लियर है? ये इसमें कौन सा ग्रुप आता है? सेक्स स्टीरॉइड्स आता है, ठीक है? सुनना, देखो ये क्या है? ये एड्रिनल ग्लैंड है. क्या ये? एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड के दो रीजन होते हैं, एक होता है बीच वाला मेड्यूला, ये क्या है? मिडिल वाला क्या होगा? मेड्यूला. और बाहर वाला कॉर्टेक्स. बाहर वाला क्या होगा? पूरा का पूरा ये कॉर्टेक्स होगा, ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स, ठीक है? अब इस कॉर्टेक्स की मैंने एक टुकड़ा निकाला, पिज्जा कट निकाला. कॉर्टेक्स में मैंने तीन जोन देखे. क्या देखे मैंने? जोन देखे. जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर क्या होगा? जोना रेटिकुलरिस. क्योंकि रेट सबसे अंदर होता है तो जोना रेटिकुलरिस सबसे अंदर, ठीक है? बीच में कौन फंस गया? फेसिकुलेटा. बीच में कौन फंस गया? फेसिकुलेटा. और ऊपर वाला क्या होगा? जोना ग्लोमेरुलोसा. अब जोना ग्लोमेरुलोसा जो होगा, जोना ग्लोमेर, ये जोन है ना एक तरीके से एड्रिनल कॉर्टेक्स का, तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होगा ये हॉर्मोन निकालेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ये ग्रुप ऑफ हॉर्मोन है. ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ हॉर्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. उसका मेन हेड कौन है? एल्डोस्टेरोन. ये मेन हेड है, ये मेन हेड है ये. ऐसे ही जोना फेसिकुलेटा हॉर्मोन जो होगा, बहुत सारे हॉर्मोन निकालेगा जोना फेसिकुलेटा. उन पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. उसमें से मेन वाला कौन सा होगा? कॉर्टिसोल. ऐसे ही जोना रेटिकुलेरिस जो है ये क्या निकालेगा? एंडोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स ये निकालेगा. ये बात ध्यान में रखना. क्लियर हुआ? याद होगा. देखो मैगी से आपको क्या याद हो रहा है? एम से, एम यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ए यानी एल्डोस्टेरोन, और जी यानी जोना ग्लोमेरुलोसा. जो भी बाद में हो वो रीजन होगा, वो क्या होगा? रीजन, जोन होगा वो, ठीक है? जो सबसे पहले होगा वो ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ हॉर्मोन होगा, और जो बीच में लिखा जाएगा वो मेन हॉर्मोन होगा. वो क्या होगा? मेन हॉर्मोन होगा. तो जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या निकलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हॉर्मोन क्या है? एल्डोस्टेरोन. ऐसे ही हमने ये देखा, जी फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सी फॉर कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, और एफ फॉर फेसिकुलेटा. एफ फॉर, तो जोना फेसिकुलेटा, जो जोन फेसिकुलेटा है उसमें से बहुत सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं. क्या निकलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हॉर्मोन कौन है? कॉर्टिसोल या फिर, रुको जरा, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना. ऐसे ही कॉफी टू सर मान, आर से क्या हो गया? रेटिकुलरिस. रेटिकुलरिस से सेक्स स्टीरॉइड और मान, ठीक है? मान यानी, एम यानी एड्रिनल मेड्यूला. बताया था एड्रिनल के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कॉर्टेक्स का है, कॉर्टेक्स के हॉर्मोन का है. और जो लड़का है मान, वो जो मान है वो क्या बता रहा है? एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन बता रहा है. एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन कौन से होते हैं? एक तो एड्रिनलिन और एक नॉन एड्रिनलिन. आई बात समझ में? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में. क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना, तो ये देखो कॉर्टिकॉइड लिखा हुआ है, यानी ये कॉर्टेक्स का हॉर्मोन है. किसका हॉर्मोन है? कॉर्टेक्स का हॉर्मोन है. सीधी बात तो ये समझ में आ रही है, ठीक है? जरूर कुछ ना कुछ ग्लूकोज से रिलेटेड है, जरूर कुछ ना कुछ किससे रिलेटेड है. तो ये करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस. क्या करवाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस. मैंने आपको बताया था ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है. ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज का नियो यानी होता है नया, और जेनेसिस यानी क्या होता है? फॉर्मेशन. ग्लूकोज का नया फॉर्मेशन है ना, तो वो क्या कहलाया जाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है? अब नया कैसे? लिपिड को तोड़ो या फैट को तोड़ो या प्रोटीन को तोड़ो और उससे क्या बनाओ? तोड़ो और क्या बनाओ? ग्लूकोज बनाओ. क्या बनाओ? ग्लूकोज बनाओ. तो ये काम कौन करवा रहा है?
कौन करवा रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन करवा रहा है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये काम करवा रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करवा रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा है, यानी लिपिड को, फैट को या प्रोटीन को, ठीक है, लिपिड को, फैट को या फिर प्रोटीन को तोड़वा करके ग्लूकोज बनवा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा है, ठीक है। और क्या करवा रहा है? क्या करवा रहा है? देखो, फैट को तोड़वा रहा है, फैट को तोड़वा रहा है, यानी क्या कहलाया जाता है? लिपोलाइसिस। क्या कहते हैं उसको? लिपोलाइसिस। लिपो यानी लिपिड, लिपिड को ही फैट कहते हैं, और लाइसिस यानी तोड़ना, लाइसिस यानी तोड़ना। तो लिपिड को तोड़वा रहा है, क्या कर रहा है? तोड़वा रहा है ना लिपिड को, और किसको तोड़वा रहा है? प्रोटीन को भी तोड़वा रहा है ना, तो प्रोटियोलाइसिस। क्या कहेंगे इसे? प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। प्रोटियो मतलब प्रोटीन और लाइसिस मतलब तोड़ना, तो प्रोटियोलाइसिस भी ये करवा रहा है, ठीक है। क्लियर है? ये वाली लाइन समझ में आ गई? ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस, क्लियर है? प्रोटीन को तोड़वाना प्रोटियोलाइसिस, लिपिड को तोड़वाना लिपोलाइसिस, और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हो जाएगा? नया ग्लूकोज बनवाना, ठीक है। आई बात समझ में? दूसरी बात, अब देखो ये क्या है? अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, और ये यहाँ पर अमीनो एसिड्स है, क्या ये अमीनो एसिड्स है? तो अमीनो एसिड जो है, ये सेल जो है अमीनो एसिड को लेती है, क्या करती है? लेती है, लेकिन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है मना कर रहा है, क्या कह रहा है? नो नो नो, कोई कोई अंदर अमीनो एसिड नहीं लिया जाएगा। कौन मना कर रहा है? कौन रोक रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मना कर रहा है किसको? सेल को, कि भैया कोई भी अमीनो एसिड अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात ये कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, क्या कर रहा है? ये इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट, क्लियर है? समझ में आ रहा है? इनहिबिट कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? ये जो तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, या किडनी का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी तुम्हारा हार्ट, ठीक है, हार्ट वगैरह है ना, हार्ट, ठीक है, जो हार्ट वगैरह का जो सिस्टम है या किडनी का जो फंक्शन है, उसको मेंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है किडनी और हार्ट के फंक्शन को, ठीक है। सर एक बात बताओ, ये तो चलो सर, ये हमारे बॉडी में इसका रोल है, ठीक है, ये बात तो हम समझ गए। हम जो है इनका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से अपन क्या कर सकते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से हम जो है, अगर हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की दवाई बना ली, क्या बना ली? दवाई बना ली, तो वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो कब ली जाएगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की दवाई? ठीक है, जब जैसे मान को एलर्जी होती है, हमें क्या होती है? हो जाती है ना एलर्जी बहुत ज्यादा, तो एलर्जी जब हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बाहर से लेते हैं और है ना बॉडी के अंदर डालते हैं, तो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? ये एंटी एलर्जी होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी इंफ्लामेटरी मतलब होता है एलर्जी, इंफ्लामेटरी मतलब क्या होता है? एलर्जी एक तरीके से, तो ये एंटी एलर्जी की तरह काम करते हैं। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन कौन है? मेन एग्जाम वो कौन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहां से निकलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं जोना फेसिकुलेटा से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जोना फेसिकुलेटा से निकलते हैं, और मेन हेड कौन है इसका? कॉर्टिसोल या फिर कॉर्टिसोन हम ले लें। अगर हमने कॉर्टिसोल या फिर कॉर्टिसोन ले लिया, तो हमें जो है बढ़िया, हमारी जो एलर्जी वगैरह वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और दूसरा, ये कॉर्टिसोल है ना मेन हार्मोन, तो कॉर्टिसोल एक काम और करता है, ये मेन हार्मोन क्या काम करता है? आरबीसी का प्रोडक्शन करवाता है, क्या करवाता है? और आरबीसी प्रोडक्शन बड़ी बात है, समझ रहे हो? आरबीसी को प्रोड्यूस करवा रहा है, तो उसको हमने मेन हार्मोन घोषित कर दिया कि कॉर्टिसोल आज से मेन हार्मोन हो जाएगा। आरी बात समझ में? ठीक है, समझ पा रहे हो ये बात? तो कॉर्टिसोल क्या हो जाएगा? मेन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो बहुत सारे होते हैं, रेड जो क्लब है, रेड क्लब में बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें से मेन मेंबर कौन है? जो हेड कौन है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे चलेगा आगे करके, है ना, वो कौन होगा? कॉर्टिसोल, क्योंकि ये क्या है? आरबीसी का प्रोडक्शन करवा रहा, क्लियर है, ठीक है। दूसरा, ये क्या करवाता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज भी तो एक कार्बोहाइड्रेट है ना, तो उसको तोड़वाना, उसको जुड़वाना, ये भी क्या करवाता है? कौन करवा रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। मेटाबॉलिज्म याद है? मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बात बताई थी, क्या होता है मेटाबॉलिज्म? यानी मेटाबॉलिज्म यानी होता है जोड़ना या फिर तोड़ना, ठीक है, जोड़ना या फिर तोड़ना, है ना, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जोड़ने को क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म, है ना, और तोड़ने को क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। क्लियर है, समझ में आ गया?
तो ये करवाता है कौन, कार्बोहाइड्रेट को जुड़वाता है, तोड़वाता है कौन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नाम से समझ में आ रहा है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है, पता है बात, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है, ये बात ध्यान में रखना। तो उसका मेटाबॉलिज्म ये करवाता है, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन देखेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, क्या पढ़ेंगे अब, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सर ये सबसे पहले तो इसके आगे कॉर्टिकॉइड लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, यानी ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन होगा, बिल्कुल सही, परफेक्ट बोला आपने, एड्रिनल कॉर्टेक्स का क्या होगा, ये हार्मोन होगा, ठीक है। अब सर ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है ये मिनरल से कुछ ना कुछ काम आ रहा है, कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, मिनरल्स, मिनरल्स कौन से होते हैं, मिनरल्स मतलब होते हैं सोडियम आयन्स, पोटेशियम आयन्स, है ना, ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये मिनरल्स हो रहे हैं। तो ये मिनरल्स को क्या कर रहा है सर, तो देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, इसका मेन मेन हार्मोन देखो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन देखो इधर लिखा हुआ है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन क्या है, एल्डोस्टेरोन। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहां से निकलते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन ये होगा, तो एल्डोस्टेरोन क्या करवा रहा है, देखो ये मेन हार्मोन है, ये क्या करवा रहा है सर, सोडियम और पानी को एब्जॉर्ब करवा रहा है, क्या करवा रहा है, एब्जॉर्ब करवा रहा है सोडियम और पानी को, मतलब जो है ब्लड में सोडियम डलवा दे रहा है, ये ब्लड है, ब्लड में क्या करवा रहा है सर, सोडियम डलवा दे रहा है, ठीक है, और क्या डलवा दे रहा है, वाटर डलवा दे रहा है। तो ब्लड में क्या आ जा रहा है, ब्लड में क्या हो जा रहा है, हाई सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई सोडियम हो जाएगा, और पानी भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, आई बात समझ में। एक बात ध्यान रखना, सोडियम और वाटर कुछ लड़का लड़की जैसे संबंध है इनका, ठीक है, ये सोडियम क्या है, समझ के चलो लड़की है एक तरीके से, सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड ये सब क्या होती है, लड़की की तरह, लड़की इधर जाएगी लड़का भी अपने आप ही वापस आता जाएगा, तो सोडियम जिधर जाएगा वहीं पर वाटर, वाटर पीछे अपने आप आता जाएगा, आई बात समझ में। सोडियम अगर ब्लड में जाएगा तो वाटर भी उसके पीछे पीछे आएगा, सोडियम अगर यूरिन में निकल जाएगा तो वाटर भी उसके पीछे पीछे यूरिन में निकल जाएगा। तो याद रखना सोडियम और वाटर की रिलेशनशिप को, याद रखना, भूलना नहीं, ये कहानी भुलाई नहीं जा सकती, समझ रहे हो बात को, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा, जब सोडियम और वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये किसको एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करा रहा है, पोटेशियम से दुश्मनी है उसकी, किसकी दुश्मनी है, एल्डोस्टेरोन की, एल्डोस्टेरोन क्या कराता है, सोडियम को ब्लड में डलवा देता है और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को कहता है निकलो यहाँ से, चलो निकलो, कहाँ निकलो, यूरिन में निकल जाओ, कहाँ निकल जाओ, यूरिन में निकल जाओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, ठीक है। तो ये पोटेशियम और फॉस्फेट को कहता है और कहते हैं निकलो यहाँ से बाहर, ठीक है, और सोडियम और वाटर को कहता है मुझे तुम बहुत पसंद हो, ब्लड में आ जाओ, अरी बात समझ में, क्लियर है, मैं पूछूंगा, ठीक है। तो ये देखो सोडियम वाटर ये सब ये अंदर बाहर निकालना, ठीक है, अंदर रखना बाहर निकालना कुछ, तो एक तरीके से वाटर का बैलेंस कर रहा है बॉडी में, वाटर का क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है बॉडी में, और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कर रहा है किसमें, बॉडी में, ये बात ध्यान में रखना। तो इस तरीके से ये हार्मोन क्या कर रहा है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कर रहा है, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे एड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स, क्या पढ़ेंगे, एड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स, इसको अपन क्या कहते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो कॉर्टिकॉइड है तो जरूर ये किसका हार्मोन होगा, ये हार्मोन किसके होंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होंगे, ठीक है सर। दूसरी बात सर, ये है ना कुछ सर सेक्स से रिलेटेड है, तो जैसे ये क्या करवाते हैं, ये हार्मोन क्या करवाते हैं, ये जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मैंने आपको बताया था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करवाता है, दाढ़ी वगैरह बढ़वाता है मेल में, है ना, और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता, कम या कम होता है, तो दाढ़ी वगैरह नहीं आती फीमेल को, आती है क्या, दो तीन को आ जाती है, इधर देखो सुनो, अब इधर देखो, तो ये बात ध्यान रखना, ये वाले हार्मोन्स भी दाढ़ी वगैरह बढ़वाते हैं, देखो ये हेयर्स बढ़वाते हैं, कौन कौन से हेयर वाले हार्मोन है, ये एक तो फेस के हेयर, किसके हेयर, एक तो फेस के हेयर, एक कौन से प्यूबिक हेयर, कौन से हेयर, ये होते हैं एक्सियल हेयर, ये क्या है, इधर भी निकलते हेयर चेस्ट पे, इधर समझो बात को, तो ये एक्सियल हेयर हो गए, क्या हो गए, एक्सियल हेयर हो गए, ठीक है। और प्यूबिक हेयर कौन से होते हैं, जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं उसके आसपास हेयर का डेवलपमेंट करवाना, उसे कहते हैं प्यूबिक हेयर, आई बात समझ में, ठीक है। तो प्यूबिक हेयर कहाँ के होते हैं, जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास हेयर, है ना, ये तुम अच्छे से समझ पाओगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास हेयर डेवलपमेंट हो तो उसे कहेंगे प्यूबिक हेयर, और अगर ये तुम्हारे इधर इधर
चेस्ट पर उसे क्या कहेंगे, एक्सियल हेयर, और फेस पर हो हेयर हो, दाढ़ी जिसे कहते हैं, है ना, जिसे अपन क्या कहते हैं बियर्ड वगैरह, उसे क्या कहते हैं अपन बियर्ड, तो उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये हेयर हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, एड्रेनर्जिक कॉर्टिकॉइड्स भी होते हैं, ये बात ध्यान रखना, एड्रेनर्जिक कॉर्टिकॉइड्स भी ये काम करते हैं, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट एक बीमारी है, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, इसको कहते हैं एडिसन डिजीज, क्या कहते हैं, ये होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की कमी की वजह से, किसकी वजह से, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है, एडिसन डिजीज, ए फॉर एड्रिनल कॉर्टेक्स, ए फॉर एड्रिनल डिजीज, ठीक है। तो अगर इनके हार्मोन्स में कमी है, सर कौन से वाले, सर एड्रिनल कॉर्टेक्स के तो बहुत सारे हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, उसमें से कौन से वाले भैया, उसमें से आपका एल्डोस्टेरोन मेनली, कौन सा, ये बात उसने लिखी नहीं है लेकिन मैं लिख देना वहां पर, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की क्या करवा देगी, अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएगी, अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो कौन सी डिसीज हो जाएगी, एडिसन डिसीज, कौन सी डिसीज हो जाएगी। तो इस डिसीज में क्या होता है सर, इस डिसीज में कुछ नहीं, देखो कितने प्यारे हाथ लग रहे हैं, और अब देखो कैसे हाथ लग रहे हैं, ब्रॉन्ज, इन ब्रॉन्ज कलरेशन हो जाती है, कौन से कलर हो जाते हैं, कलर 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 हो गया ना, कलर ब्राउन कलर एकदम, है ना, तो ब्रॉन्ज कलरेशन हो जाती है यहाँ पर, कैसी हो जाती है, ब्रॉन्ज कलरेशन, इसे क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कलरेशन, ठीक है। देखो वैसे तुम अगर देखोगे तो कितना खिलता हुआ चेहरा होता है, होता है कि नहीं, अब इसका देखो बिल्कुल ही ब्राउन ब्राउन से, इसमें धब्बे धब्बे से लग रहे हैं कि नहीं, किसी भी टीसी स्किन हो गई बिल्कुल फुटी जैसी, है ना, तो ये बात ध्यान में रखना, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एडिसन डिसीज में होता है, ऐसा किसमें होता है, एडिसन डिसीज में ब्राउन कलरेशन हो जाएगी, ठीक है, या ब्रॉन्ज कलरेशन हो जाएगी, बस ध्यान में, ठीक है, कलरेशन पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, ये स्किन कलरेशन पर, स्किन कलरेशन, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन ऐसे चेंज हो रही हो तो ये एडिसन डिसीज के भी सिम्टम्स है। सर इसमें एक बात बताओ, इसमें होगा क्या क्या, चलो ये तो हमें बाहर से दिख रहा है, अंदर से कैसे पता पड़ेगा कि इसको एडिसन डिसीज हुई है। देखो एक बात ध्यान रखना, एल्डोस्टेरोन क्या काम करवाता था, उसका प्रिय कौन था, एल्डोस्टेरोन का प्रिय कौन था, याद है, एल्डोस्टेरोन किससे प्यार करता था, सोडियम और पानी से, किससे, सोडियम, ये क्या काम करता था, सोडियम और पानी को क्या करता था, ये ब्लड में, सोडियम और पानी को उससे प्यार करता था और उसको ब्लड में डलवाता था, किसको, सोडियम और पानी को, है ना, याद है, सोडियम को और पानी को, है ना, एब्जॉर्ब करवाता था, इंक्रीज करवाता था उसका लेवल, क्या कराता था, ब्लड में इंक्रीज कराता था। अब इसकी क्या हो गई, कमी, इसकी क्या हो गई, तो भैया सोडियम की भी क्या हो जाएगी, कमी, और वाटर की भी क्या हो जाएगी, कमी। आई बात समझ में, क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना, इस डिसीज में क्या होगा कि सोडियम की, पानी की कमी हो जाएगी, आई बात समझ में, क्योंकि एल्डोस्टेरोन की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है, क्लियर है, रुक जाओ अभी पूछता हूँ, एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, मिडिल वाला पोर्शन, मेड्यूला, ठीक है। तो मेड्यूला की अगर मैं बात करूं तो ये हॉर्मोन्स कौन से निकालता है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, ये हॉर्मोन कौन से निकालता है, एड्रिनलिन नॉन एड्रिनलिन, याद है मान, याद है, तो मेड्यूला, और ए फॉर एड्रिनलिन, और ए फॉर, एन फॉर नॉन एड्रिनलिन, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब कैचिकोलामाइस, ठीक है, इनको देखो एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन को अपन क्या कहते हैं, कैचिकोलामाइस, क्या कहते हैं, कैचिकोलामाइन, कैचिकोलामाइन, ये कितना अच्छा वर्ड लग रहा है ना, रईस वर्ड लग रहा है, कैचिकोलामाइन, है ना, तो ये बात ध्यान में रखना, कैचिकोलामाइन हार्मोन की वजह से ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो देखो अब ये होता है जब हो जाए, देखो ये कैसे होता है, सुनना, ये कब होता है, इसे 3F रिस्पॉन्स भी कहते हैं, 3F रिस्पॉन्स, क्या होता है 3F रिस्पॉन्स, ये तब हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन, कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है जब क्या करना हो, 3F रिस्पॉन्स करना हो, 3 मतलब फाइट करनी हो किसी से, डिशुम डिशुम करनी हो किसी से, या फिर क्या करनी हो, बहुत ज्यादा डर लग रहा हो, पेपर है कल, ठीक है, बिल्कुल ही कुछ नहीं पड़ा, और तीसरा फाइट, फियर और फ्लाइट, और फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट मतलब ये ऐसा नहीं फ्लाइट मतलब उड़ी जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हार्मोन रिलीज हो गया एड्रेनलिन तो उड़ी जाएंगे सीधा बदक की तरह खत्म किस्सा, ऐसा नहीं होगा, तो मतलब ऐसा ये है कि जब भागना हो बहुत तेज भागना हो, जैसे आपने क्या देख लिया, सांप देख लिया, क्या देख लिया, सांप देख लिया, तो आप भागोगे ऐसे धड़ 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 भागोगे हवा की स्पीड से, कहते हैं ना हवा की स्पीड से भागना,
उसको कह रहे हैं फ्लाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि सांप देखा सीधा उड़ गए सीधा टेक ऑफ करेगा, ऐसा नहीं है इसका मतलब, समझ रहे भाई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जब एड्रेनालिन हार्मोन होगा तो ये 3F रिस्पॉन्स करवाएगा। ये एड्रेनालिन हार्मोन कब रिलीज होगा, ठीक है, कब रिलीज होगा, जब क्या करना होगा, 3F रिस्पॉन्स करना होगा, मतलब फाइट फाइट के दौरान ये रिलीज होगा। ठीक है, जब जो है बिल्कुल ये देखो, जब जो है बहुत किसी से फाइट करना हो, ठीक है, या किसी का डर हो, या जो है ठीक है, या जो है कोई सांप वाप दिख जाए, तब ये हार्मोन रिलीज होगा एड्रेनालिन। ठीक है, अब हर वक्त तो हम फाइट करते नहीं है, कोई ऐसा है कि हर वक्त फाइट करता रहता है या हर हर वक्त उसके साथ सांपों के साथ ही खेलता रहता है, तो ऐसा तो है नहीं है। तो फिर जब ये सब ठीक हो जाता है, जब सब क्या है, जब कंडीशन खराब हो, कब रिलीज होता है, जब कंडीशन खराब हो तब ये हार्मोन रिलीज होगा, कंडीशन खराब हो, और जब कंडीशन सही तब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, जब जब कंडीशन ठीक हो जाएगी, जब कंडीशन ठीक है, जब मतलब जो सांप थे वो चले गए, ठीक है, और जो लड़ाई जो कर रहा था भूत वो भी चला गया, ठीक है, और जो है डर भी एग्जाम भी चले गए, जब सब ठीक हो जाएगा, जब कंडीशन ठीक हो जाएगी, तब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तब नॉर एड्रेनालिन, कौन सा, नॉर एड्रेनालिन तब क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई, तो ये बात ध्यान में रखना, याद रखना भाई, इनको अपन क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, किसको, एड्रेनालिन को, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। देखो अब सुनना, ये सर ये करता क्या है, देखो एड्रेनालिन क्या करेगा, सीधी बात यह है कि जैसे ही कोई देखो फियर होता है तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये सांप देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो और रोंगटे खड़े हो जाना यानी जो आपके बाल होंगे वो जो है उठ जाएंगे, उसे कहते हैं पिलो पिलो रिएक्शन, क्या कहते हैं इसे, पिलो रिएक्शन, पिलो मतलब हेयर, हेयर क्या हो जाएंगे, इरेक्ट हो जाएंगे, इरेक्ट मतलब खड़े हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, तो हेयर्स क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे, ठीक है सर, और फिर क्या होगा, तुम्हारी एकदम सांप देखो आंखें ऐसी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, तो उसे कहते हैं प्यूपुलरी डायलेशन, क्या कहते हैं उसे, प्यूपुलरी डायलेशन। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये आंखें हैं, ठीक है, और ये जो है, ठीक है, ये रहे इसके आईब्रो भी दिखा देते हैं, ठीक है, आई लैशेस, सॉरी जिसे कहते हैं आई लैशेस, है ना, ये आई लैशेस है, ठीक है, और जो है ये इसकी क्या होगी, ये प्यूपिल होगी, ये क्या होगी, इसकी प्यूपिल होगी, और ये लड़की एक तरीके से, तो इसकी ब्लू आईज है, क्या है इसकी, ब्लू आईज है, ठीक है ठीक है, समझना इस बात को, ये ब्लू, ठीक है समझना इस बात को, ठीक है समझना इसको, देखो इसमें आपको, देखो एक तो आपको रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये मिक्सचर हो गया, तो ये ब्लू आईज है, और इसकी ये क्या होती है, ये होती है आयरिस, इसे अपन क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं, आयरिस कहते हैं इसे ब्लू को, और ये जो ब्लैक पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, ब्लैक पोर्शन को क्या कहते हैं, प्यूपिल, क्या कहते हैं, ठीक है, ये प्यूपिल होती है, ये जो होती है ब्लू ब्लू जो होता है ना पोर्शन, वो आयरिस होती है, प्यूपिल से लाइट जाती है, प्यूपिल से क्या जाती है, लाइट जाती है, प्यूपिल से लाइट जाएगी, और ये जो ब्लू आईज होती है वो क्या होती है आपकी, आयरिस होती है। ठीक है, तो अपन को तो प्यूपिल को देखना है, ये प्यूपिल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, प्यूपिल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इसे कहते हैं प्यूपुलरी डायलेशन, क्या कहते हैं, प्यूपुलरी डायलेशन, आई बात समझ, प्यूपिल क्या हो गई, बड़ी हो गई, डायलेट हो गई यानी बड़ी हो गई, क्लियर है, समझ में आ गया, बड़ी हो गई, ठीक है, और क्या होगा,
जब भी आपको जब भी कोई सांप देखते हो तो स्वेटिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, हार्ट बीट जो हो जाती है वो तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो ये सारे के सारे किसने करवाए, ये सारे के सारे काम, ठीक है, किसने करवाए ये सारे के सारे, और एकदम अलर्ट हो जाती हूँ, आ रहा है सांप है, तो इस तरीके से तो अलर्ट हो जाते हो एकदम, क्या हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो, ठीक है, एकदम क्या हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो। तो ये सारे के सारे काम किसने करवाए, ठीक है, आर्यवास में ये सारे के सारे काम किसने करवाए, एड्रेनलिन ग्लैंड ने करवाए, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, दूसरा ये क्या करता है कि जो भी चीज है तुम्हारे अंदर वो क्या है, अभी सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, हमें भागना है, और वो भी हवा की स्पीड से, उड़ना नहीं है अपन को, भागना है हवा की स्पीड से। तो क्या ये क्या होगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी कहां से आएगी, ग्लूकोज से, एनर्जी कहां से आएगी, ग्लूकोज से। तो कहीं से भी बाहर में गई दुनिया, जहां भी से भी ग्लूकोज मिलेगा ले आओ, कुछ भी तुम्हारे पास है सबको तोड़ो और क्या लेके बनाओ, उसका ग्लूकोज बनाओ। एड्रेनलिन क्या कहेगा, भैया टाइम नहीं है, जितना भी जो ग्लूकोज है सारा का सारा बनाओ जल्दी से जल्दी, ग्लूकोज को तोड़ो, फिर क्या करो, ग्लूकोज को तोड़ो और क्या बनाओ, एनर्जी बनाओ, क्या बनाओ, एनर्जी बनाओ। और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए रहेगा, ग्लूकोज कहां से आएगा, ग्लाइकोजन से, और कहां से आएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज जहां से भी आए वहां से तोड़ो और क्या बनाओ, एनर्जी लाओ। लिपिड को तोड़ दो जल्दी से जल्दी, प्रोटीन को तोड़ दो जल्दी से जल्दी, सबको तोड़ ताड़ करके क्या बना डालो, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या ले आओ, एनर्जी। ऐसा काम कौन करता है, हमारा हमारा प्यारा एड्रेनलिन। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, और एनर्जी ग्लूकोज ही नहीं रहेगा, ग्लूकोज नहीं बन पाएगा तो तुम जो है भग ही नहीं पाओगे ढंग से, समझो। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो सुनो, ये अपन ने ये है टाइप्स के हार्मोन, मैं अपन ने स्टेरॉइड हार्मोन पढ़े, याद है उसकी ट्रिक क्या बताई थी, बताओ स्टेरॉइड हार्मोन की क्या ट्रिक थी, पैकेट, याद है, याद है पैकेट, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और एल्डोस्टेरॉन, ठीक है आपका, और ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और कॉर्टिकॉइड्स, याद है। तो अपन ने कॉर्टिकॉइड्स पढ़ लिए अभी, तो वो कौन से होते हैं कॉर्टिकॉइड्स, कैसे होते हैं कॉर्टिकॉइड्स, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं और स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, कैसे नेचर के होते हैं। और एक अपन आयोडीन वाला हार्मोन पढ़ेंगे, कौन सा वाला हार्मोन, जिसमें आयोडीन है, जिसमें क्या है, आयोडीन है हार्मोन के अंदर, उसका नाम है थायराइड हार्मोन, क्या है, तो थायराइड हार्मोन के अंदर क्या होती है, आयोडीन होती है, याद है, तीन आयोडीन वाला ट्राईआयोडोथायरोनिन, चार आयोडीन वाला टेट्राआयोडोथायरोनिन। तो ये इन हार्मोनों में क्या होती है, आयोडीन होती है। और ऐसे हार्मोन जो अमीनो एसिड से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या होते हैं, सिंपल एक एक अमीनो एसिड होता है उसके बने होते हैं, बहुत छोटे होते हैं उनका, कौन होते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जो भी अपन ने पढ़े वो किसके बने होते हैं, एक अमीनो एसिड के, कितने, एक अमीनो एसिड। अब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जुड़ करके, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बना देते हैं, पेप्टाइड बना देते हैं, क्या बना देते हैं। अब ऐसी ये पेप्टाइड क्या हो गई, एक चेन हो गई। अब पॉलीपेप्टाइड भी होती है, पॉलीपेप्टाइड यानी जब ये अमीनो एसिड क्या करेंगे, इस तरीके से बहुत सारी चेन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, बहुत सारी चेन बना लेंगे, आई बात समझ में। तो ये कहलाया जाएगा पॉलीपेप्टाइड, क्या कहलाया जाएगा, और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड जुड़ जाएंगे तो ये एक जो है गुचुड़ मुचुड़ टाइप का स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन वाले हार्मोन कौन से होते हैं, ये बॉल है, ये क्या है, ये बॉल अमीनो एसिड्स हैं, क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। तो सबसे ज्यादा अमीनो एसिड किस में होते हैं, प्रोटीन में होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक बात को समझना, क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये सारे के सारे क्या है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन ये कहलाएंगे, क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान रखना भाई। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब देखो सुनो, अब अपन पढ़ेंगे हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। अपन ने इतने सारे हार्मोन्स पढ़ लिए, सारे के सारे जितने भी हार्मोन्स थे सब अपन ने पढ़ लिए, पिट्यूटरी के, हाइपोथैलेमस के, और थाइमस के, पीनियल के, थायराइड के, पैराथायराइड के, ठीक है, ओवरीज के, आपके जितने भी गोनाड्स थे, टेस्टिस के सारे हार्मोन अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब हार्मोन काम कैसे करते हैं ये अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, हार्मोन्स काम कैसे करते हैं ये पूछूंगा, नहीं बोलता वो भी करता हूं, ठीक है। अब सुनना, दो देखो, एक होते हैं आपके, एक होते हैं आपके लिपिड हार्मोन्स, एक क्या होते हैं, लिपिड हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं वाटर हार्मोन्स, एक क्या होते हैं,
वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स, ठीक है। दो तरीके के हॉर्मोन होते हैं, मैं लिख देता हूँ आपके, है ना, दो तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं, ये आपकी बुक में नहीं लिखे लेकिन आप लिखना है आपको। हॉर्मोन दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं लिपिड सोल्यूबल, यानी जो लिपिड यानी क्या होता है, घी, घी या फिर ऑयल में घुल जाए, ऑयल में घुल जाए, उसे कहते हैं लिपिड सोल्यूबल। और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल कौन से हॉर्मोन होते हैं वो लिखेंगे, जितने भी प्रोटीन के होते हैं ना, प्रोटीन, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड, ये सारे के सारे जितने भी अमीनो एसिड वाले हॉर्मोन होते हैं ना, इन सभी में अमीनो एसिड होता है कि नहीं होता, तो वो सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। जिन में भी क्या होता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में भी अमीनो एसिड है ही, वो प्रोटीन में भी अमीनो एसिड है, पेप्टाइड में भी अमीनो एसिड है, पॉलीपेप्टाइड में भी क्या है अमीनो एसिड है, तो ये वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन हो जाएंगे। और जितने भी स्टीरॉयड होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी स्टीरॉयड का एग्जाम्पल पैकेट याद है, तो ये जो पैकेट है प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे स्टीरॉयड हॉर्मोन क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ऑयल में घुलते हैं। और दूसरा एक और हॉर्मोन है थायरोक्सिन, कौन सा, थायरोक्सिन भी कैसा है, लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन है। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो ये जितने भी लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन होंगे और वाटर सोल्यूबल होंगे, अलग अलग मैकेनिज्म होगा, अलग अलग क्या होगा, मैकेनिज्म होगा, ये अभी अपन देखते हैं, ठीक है, देखना। देखो ये ऐसा काम कौन करता है, लिपिड सोल्यूबल, ऐसा काम कौन करता है, लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन, और ऐसा काम कौन करता है, वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन, ठीक है, समझ पा रहे हो। ये देखो ये है हॉर्मोन, ये क्या है, हॉर्मोन है ये, क्या ये हॉर्मोन है, ये हॉर्मोन जो होगा, तो हॉर्मोन को अंदर जाना है, क्या जाना है, अंदर जाना है। देखो एक तो क्या होता है, ये लिपिड की वॉल है, ये किसकी वॉल है वाली, लिपिड की सेल वॉल, पता है ना, सेल मेम्ब्रेन किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की, याद है, फॉस्फोलिपिड की क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो देखो ये हॉर्मोन है, ये हॉर्मोन है, और ये लगा हुआ है आपका, ये हॉर्मोन हमेशा रिसेप्टर पर जुड़ता है, हॉर्मोन किस पर जुड़ता है, और फिर हॉर्मोन हमेशा किस पर जुड़ेगा, रिसेप्टर पे, हॉर्मोन किस पर जुड़ेगा हमेशा, रिसेप्टर पे। अब रिसेप्टर अगर बाहर होगा तो हॉर्मोन बाहर जुड़ जाएगा, और रिसेप्टर अगर अंदर होगा तो हॉर्मोन को अंदर जाना पड़ेगा जोड़ने के लिए, समझ रहे हो बात को। लेकिन हमेशा हॉर्मोन किससे जुड़ेगा, रिसेप्टर से, रिसेप्टर से ही वो फिर काम कर पाता है, समझ में आया, हॉर्मोन को रिसेप्टर पे जोड़ना पड़ता है। तो जो वाटर सोल्यूबल के जो रिसेप्टर होते हैं वो कहां पर होते हैं, मेम्ब्रेन पर ही हो जाते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये मेम्ब्रेन से जाकर के जुड़ जाता है, आई बात समझ में। जबकि जो जो अगर मैं बात करूं लिपिड सोल्यूबल वाले जो होते हैं रिसेप्टर, वो कहां पर होते हैं, एक होता है सेल, सेल के भी अंदर क्या होता है, एक होता है सेल, ये सेल, सेल के भी अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन मिलेगा आपको, रिसेप्टर, ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इसे क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, सेल के अंदर है ना, ये सेल के अंदर रिसेप्टर होगा, वो भी न्यूक्लियस के भी अंदर, किसके अंदर, न्यूक्लियस के भी अंदर। और ये क्या है वाली भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई बात समझ में। तो यहां पर जो, यहां पर कौन जुड़ेगा, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से कौन जुड़ेगा, लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन, कौन से, लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन यहां पर आकर के जुड़ेगा इन रिसेप्टरों से, लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन, आई बात समझ में। तो यहां पर जो जुड़ रहा होगा, ये जो होगा, ये कौन सा होगा, लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन होगा ये, क्लियर है, समझ आया, क्लियर है। तो दो तरीके के होते हैं, एक तो मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर लगे हुए हैं, उन्हें अपन कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो किस पर लगे हुए हैं, मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही चिपका हुआ रिसेप्टर, तो उसे कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इससे क्या होगा, हॉर्मोन को अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा, बस खत्म, किसका, सीधे बाहर ही जाकर के रिसेप्टर जुड़ जाएगा, समझ लो बात को। और एक क्या होगा, एक क्या होगा, अंदर की तरफ होंगे, न्यूक्लियस के भी अंदर, ये न्यूक्लियस है, क्या ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी रिसेप्टर जुड़ा होगा, भैया जहां रिसेप्टर होगा वहां पर जाना ही पड़ेगा इसको, हॉर्मोन को, ठीक है। तो अब देखना, समझना इस बात को, देखो अब अपन देखेंगे कि दो तरीके के रिसेप्टर देख लिए, एक मेम्ब्रेन बाउंड से कौन जुड़ता है, वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन, ठीक है, वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन कहां पर जुड़ते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से। जबकि जो लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन होता है, कौन सा, लिपिड सोल्यूबल जो हॉर्मोन होता है, लिपिड सोल्यूबल हॉर्मोन,
वो कहां पर जुड़ता है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जाकर के जुड़ता है। कौन सा ये वाला? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। न्यूक्लियस के भी अंदर होगा वो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो देखो क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंट्रासेलुलर। क्या पढ़ा रहा हूं सबसे पहले? इंट्रासेलुलर। इंट्रा मतलब क्या होता है? अंदर। इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल, सेल सेल के अंदर होगा ये। और रिसेप्टर तो जानती हूँ, जिससे कौन बाइंड करेगा? हॉर्मोन बाइंड करेगा रिसेप्टर से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। देखो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना एक तरीके से? यहाँ पर एक ये हॉर्मोन है ईस्ट्रोजन। क्या ये? अब ईस्ट्रोजन यहाँ पर ये जो ईस्ट्रोजन क्या होता है याद करो, पैकेट पैकेट याद करो, पैकेट में जो ई है वो क्या है? ईस्ट्रोजन ही है। ई क्या है पैकेट में? ईस्ट्रोजन ही है ये, है ना, ये बात ध्यान में रखना, है ना। इसको ओ भी लिख सकते हैं या ई से ईस्ट्रोजन भी लिख सकते हैं, समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है, तो ईस्ट्रोजन तुम्हारे लिए मैं ईस्ट्रोजन ही लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब ये ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होगा ये कैसा होता है? स्टेरॉइड नेचर का है, तो इसका रिसेप्टर कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है, ये सेल है पूरा का पूरा, समझ पा रहे हो? ये पूरा का पूरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, समझ पा रहे हो? तो उन्होंने आधा आधा दिखाया। क्या दिखाया है? आधा आधा। तो हम भी आधा आधा कर देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आधा आधा दिखाया गया, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस। तो ये जो ईस्ट्रोजन होगा सबसे पहले कहां जाएगा? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होगा उसमें जाकर के बाइंड कर बन जाएगा। क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जब ये ग्रीन कलर का हार्मोन है, हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन जब इस कॉम्प्लेक्स इस रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और वो कॉम्प्लेक्स जो होगा, वो कॉम्प्लेक्स जो होगा डीएनए में जाएगा, डीएनए में घुस जाएगा। किसके अंदर घुस जाएगा? तुम्हें पता है ना न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पता है ये बात? पता है ना सबको न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। तो ये जो हार्मोन कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर है सीधा काम घुस जाएगा डीएनए के अंदर। किसके अंदर? और डीएनए से क्या पता है, ये बात ध्यान रखना है, डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, ये बात ध्यान में रखना, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन ही क्या होता है? एक एंजाइम होती है। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन बन गया यानी क्या बन जाएगा? एंजाइम बन जाएगी। और एंजाइम क्या करती है? काम। क्या करती है? आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा। एंजाइम आएगी, सॉरी, सबसे पहले एक हार्मोन होगा। हार्मोन पहले किसके साथ जुड़ेगा? हार्मोन पहले किसके साथ जुड़ेगा? रिसेप्टर के साथ। किसके साथ? रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा। रिसेप्टर के साथ जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होगा ये किसके पास जाएगा? डीएनए के पास। और डीएनए से क्या करवाएगा? आरएनए बनवाएगा। आरएनए से क्या बनवाएगा? प्रोटीन बनवाएगा। जैसे ही हमारी प्रोटीन बन गया यानी हमारा काम हो गया, एंजाइम बन गई हमारी, प्रोटीन बन गई, तो प्रोटीन से एंजाइम बन जाएगी। तो एंजाइम जो होती है वो काम करती है। क्या करती है? वो काम करती है। तो हार्मोन का काम, वो क्या काम होता है? काम करवाना। क्या करवाना? काम करवाना। तो काम कैसे करोगे भैया? मजदूर बनवाओ। क्या बनवाओ? किससे बनवाओगे मजदूर? पूरा का पूरा ये प्रोसेस करके मजदूर बनवा दो, एंजाइम बनवा दो। दो काम है। हार्मोन क्या करता है? या तो एंजाइम बनवाता है, सुनो, हार्मोन क्या करता है? दो काम करता है। या तो वो एंजाइम बनवाएगा, एंजाइम को फॉर्म करो, या फिर वो क्या करेगा, या तो फिर वो क्या करेगा, इनएक्टिव एंजाइम को, इनएक्टिव एंजाइम को क्या कर देगा? वो एक्टिव कर देगा। एंजाइम इनएक्टिव एंजाइम क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। तो अब जो एक्टिव एंजाइम होगी वो क्या करेगी? एंजाइम्स का काम क्या होता है? काम करना। क्या करना? काम करना। तो वो काम होगा, है ना, एंजाइम फॉर्म हो गई तो क्या होगा? काम होगा। क्या होगा? काम होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? तो सुनो, हार्मोन का काम है या तो एंजाइम को बनाओ। क्या बनो? क्या करो? या तो एंजाइम को बनाओ। तो ये वाला जो हार्मोन होता है, ठीक है, ये वाला होता है, ये होता है लिपिड सोल्यूबल। कौन सा होता है? लिपिड सोल्यूबल हार्मोन ये काम करता है।
वो क्या करता है एंजाइम को बनवाता है, वो क्या करता है एंजाइम को बनवाता है। और एक होता है वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल क्या करता है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन क्या करता है, इनएक्टिव एंजाइम बना बनाया कुंभकर्ण, जो अभी कुंभकर्ण सोया हुआ है उस कुंभकर्ण को उठाओ और उससे क्या करवाओ काम करवाओ, उस कुंभकर्ण को उठाओ और क्या करवाओ उससे काम करवाओ, ये काम कौन करता है वाटर सोल्यूबल हार्मोन। क्लियर है, समझ में आया, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो बस ये मेन था, और सुनो देखो कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यही वाला है, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या बन गया यहाँ पर देखो, डीएनए से क्या बना आरएनए, आरएनए से क्या बन गया प्रोटीन, और प्रोटीन क्या कर जाएगा काम कर जाएगा, क्या कर जाएगा काम, जो भी काम होगा स्टूडेंट का, जो भी काम होगा वो ये कर देगा, आई बात समझ में, जो भी स्टूडेंट का काम होगा वो एंजाइम करेगा, आई बात समझ में। यानी हार्मोन तो सिर्फ एक मैसेज है, हार्मोन तो सिर्फ क्या है मैसेज है, तो बस ये हार्मोन को मैसेंजर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हार्मोन कभी कुछ काम नहीं करता, हार्मोन को मैसेज लेकर के करता है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे जैसे एक मान के चलो, इधर आओ जरा, एक जना कोई भी और आए जरा, है ना, देखो जैसे ये एक, देखो इधर, देखो इधर आओ, ठीक है, जैसे मैं एक ग्लैंड हूँ, है ना, मैंने एक ग्लैंड हूँ, ठीक है, तो मैंने जो है एक हार्मोन बनाया, क्या बनाया मैंने एक हार्मोन बनाया, मैं जो है डायरेक्टली इससे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा, अभी तो बोल पा रहा हूँ लेकिन मैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब बोला अब ये जो है काम करेगी, हाँ तुम काम करो, डांस करो तुम, ठीक है, तो ये क्या करेगी, अब ये लड़की जो थी वो क्या करेगी, जो भी काम हुआ उसका, ठीक है, वो काम करेगी, आई बात समझ में। तो बस ये हार्मोन का काम था मैसेज पहुंचाना, मैं बोल नहीं पाया उस लड़की को, तो ये हार्मोन ने उसका काम किया, बस समझ में आया, ठीक है। तो मेन है हार्मोन्स का क्या करना, काम करवाना, तो काम कराने के लिए एंजाइम चाहिए होती है, ठीक है। चलो अब सुनो ढंग से, अब एक क्या सा था, वाटर सोल्यूबल को पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल को, सुनना ढंग से देखो, सुनो जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन होगा, सुनो सुनो इधर देखो, देखो वाटर जो सोल्यूबल हार्मोन होगा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया FSH, FSH क्या है वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, वो जो हार्मोन होगा वो किससे जुड़ेगा, हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, समझ रहा ना, कुछ इस तरीके से होगा पूरा का पूरा, ये हार्मोन होगा रिसेप्टर से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ेगा, रिसेप्टर से जुड़ने के बाद, ठीक है, रिसेप्टर से जुड़ने के बाद, ठीक है, इधर देखना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, क्या बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होगा वो क्या करेगा, इधर देखो, देखो मैं इस पे तो मैं अलग से समझा रहा हूँ, ये देखो ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो है क्या बना हुआ है, मैं कहानी सुना रहा हूँ, इस पर जो है एक सिपाही लगा हुआ है, जैसे तुम्हारे दरवाजे, दरवाजे पर क्या लगा हुआ होता है सिपाही लगा रहता है, क्या लगा रहता है सिपाही लगा रहता है, वैसे ये दरवाजा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पर सिपाही लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और ये है हार्मोन हमारा, ये क्या है हार्मोन है, ये रहा, ये क्या है हमारा हार्मोन है, ये क्या है हार्मोन है, क्लियर है। अब क्या होगा, ये हार्मोन जो होगा सबसे पहले क्या होगा, इस पे जाएगा, कोई भी आदमी होगा सबसे पहले सिपाही से मिलेगा, या मतलब एक चौकीदार से मिलेगा, ये चौकीदार है एक तरीके से, क्या ये चौकीदार है या सिपाही है, चौकीदार है। अब ये जो चौकीदार होगा वो क्या करेगा, अरे भाई साहब ये जो है ये भाई साहब आए हुए हैं, ठीक है, तो ये जो ये वाली जो बात होगी वो जो है किसको पहुंचा देगा ये, ठीक है, ये रिस्पॉन्स किसको देगा, ये रिस्पॉन्स देगा, और ये किसको देगा, ये एक्टिवेट कर देगा सिपाहियों को, ये किसको एक्टिवेट कर देगा सिपाहियों को, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर देगा, क्या कर देगा सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। ये खुद क्या था प्राइमरी मैसेंजर, क्या था ये खुद, मैंने बताया ना हार्मोन मैसेंजर होते हैं, मैसेज ले जाते हैं बस, ठीक है, तो ये प्राइमरी मैसेंजर है, क्या है हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर है ये, तो ये हार्मोन जो होगा पहले सिपाही इस चौकीदार तक आया, चौकीदार जो हुआ भड़बड़ाते हुए जाएगा गेट बंद करके, अरे भाई साहब ये आतंकवादी आए हुए हैं जल्दी से जल्दी, तो ये जो है रिस्पॉन्स देगा एकदम भगता हुआ जाएगा ये, ठीक है, और फिर जो है सबको क्या कर देगा एक्टिवेट कर देगा सिपाहियों को, क्या कर देगा सबको एक्टिवेट कर देगा सिपाहियों को, दूसरे सिपाही कौन से है, ठीक है, सिपाही कौन से है, कैल्शियम एक सिपाही है, ठीक है, और तुम्हारा इनोसिटॉल फॉस्फेट एक सिपाही है, ठीक है, और तुम्हारा
ठीक है, मेन सिपाही है कैल्शियम और IP3, ये क्या है सिपाही है, क्या ये सिपाही है, बात ध्यान रखना, ये सिपाही क्या होगा, एक्टिवेट हो गए, ये सिपाही क्या हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। अब जब ये सिपाही एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इनएक्टिव एंजाइम को, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देंगे, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देंगे। और जब एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगी तो क्या करेंगे, काम होगा, क्या होगा, काम होगा, काम को ही कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आई बात समझ में? तो ये सबसे पहले क्या हुआ, एक आतंकवादी आया, आतंकवादी ने सबसे पहले, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की, क्या हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो ये आतंकवादी जो है किस पर आ गया, आतंकवादी किस पर आ गया, ये इसके पास आया, किसके पास, सिपाही के पास। ये क्या है, सिपाही है, क्या ये सिपाही है, सिपाही के पास आया। जो सिपाही होगा, ठीक है, जो सिपाही होगा वो क्या करेगा, भगता हुआ जाएगा, सिपाही के भगता हुआ जाएगा और कहेगा भाई साहब सबको एक्टिवेट कर देगा, सबको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा कि भाई साहब जितने भी जो सिपाही होंगे, जितने भी दूसरे बड़े से है ना, उनको क्या कर देगा, एक्टिवेट करेगा। ये चौकीदार जो होगा दूसरे सिपाही को एक्टिवेट कर देगा, और वो एक्टिवेट किसको करेंगे, तुमने देखा होगा, वो एक्टिवेट किसको करेंगे, कुंभकर्ण को, किसको, कुंभकर्ण, जो कुंभकर्ण को उठाने के लिए, ठीक है, कुंभकर्ण को उठाने के लिए जो है तुम्हें बहुत सारे सिपाही लगते हैं, चौकीदार अकेला तो नहीं उठा सकता ना कुंभकर्ण को, तो क्या लगेंगे, बहुत सारे सिपाही लगेंगे, सिपाही को क्या कहेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर। तो ये जो है चौकीदार ने सिपाहियों को बोला, सिपाहियों ने किसको, कुंभकर्ण को एक्टिवेट किया, कुंभकर्ण को क्या किया, एक्टिवेट किया। और कुंभकर्ण जब एक्टिव हो गया, कुंभकर्ण यानी एंजाइम, एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, काम करेगी, क्या करेगी, काम करेगी। इनएक्टिव एंजाइम को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, इनएक्टिव कुंभकर्ण को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया गया, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया गया है। और फिर क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, काम को ही क्या कहते हैं, काम को ही क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखो ये मैं यहां से लिख देता हूं थोड़ा, कैल्शियम IP3 इनोसिप्रोल फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या करेगा, इनएक्टिव एंजाइम को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव एंजाइम में, और एक्टिव एंजाइम क्या करेगी, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, मैं ऐसे नहीं लिख करके, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ही बेटा काम है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ही क्या कहेंगे अपन, तो जो भी हार्मोन ने, हार्मोन को क्या बोला गया था, एंजाइम, जो भी एंजाइम काम बोले, काम करना हो उस एंजाइम का, वो काम वो करेगी। आई बात समझ में? तो एंजाइम को एक्टिवेट करना किसका काम था, हार्मोन का, हार्मोन का, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, प्राइमरी मैसेंजर कहेंगे, और जो बाद में बने हैं उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर कहा जाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर कहा जाएगा जो बाद में बने, सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, आपके में बुक में IP3 लिखा हुआ है, लेकिन IP3 का फुल फॉर्म नहीं लिखा है, ये बात ध्यान रखना। IP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, इनोसिटॉल, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये बात ध्यान में रखना। एक और है साइक्लिक AMP, वो भी एक प्रकार का क्या है, पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंडरी मैसेंजर के नाम बताओ, तो आप क्या बोलोगे, साइक्लिक AMP कैल्शियम और IP3। साइक्लिक AMP को फुल फॉर्म क्या होता है, लिख देता हूं, साइक्लिक AMP कहते हैं, साइक्लिक एडिनोसिन, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो ये मोनोफॉस्फेट है, एडिनोसिन क्या है, ये मोनोफॉस्फेट है, ये आई बात समझ में, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इसमें एक फॉस्फेट होगा तो मोनोफॉस्फेट, जिसमें एक होता है ATP, वो क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, 1 होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका नाम क्या रख दिया है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ATP जिसे कहते हैं अपन, और ये क्या है, साइक्लिक AMP है, जिसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। बेटा ये है आपका सेकेंडरी मैसेंजर, ये नहीं है सेकेंडरी मैसेंजर, ये क्या है आपका, सेकेंडरी मैसेंजर है, ये सेल के अंदर बनता है, और सिपाही है एक तरीके से, सिपाही है एक तरीके से, सिपाही का काम क्या होता है, किसको उठाना, कुंभकर्ण को, एंजाइम्स को उठाना। अरे भैया
बाहर से वो आ गया, ये आ गया, ये हार्मोन आ गया, वो कोई आ गया है ना, तो जो है जल्दी जल्दी उठाना, सिपाहियों का काम क्या होता है, ये सेकेंडरी मैसेंजर कहलाएंगे, कौन, सिपाही, ठीक है। और ये एम क्या है, तो आप लिख सकते हो उसको चाहो तो, ये कहानी याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। ये क्या है, ये चौकीदार, क्या है ये, चौकीदार है ना, चौकीदार है ये, है ना। और ये क्या होने, ये क्या होने, सिपाही है ये, ये सिपाही है, ठीक है, सिपाही है। और ये कौन है, कुंभकर्ण है ये, ठीक है, ये क्या है, कुंभकर्ण है ये, ठीक है, कुंभकर्ण है ये। और ये कौन है, काम को क्या कहते हैं अपन, रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी क्या होता है, काम होता है, ये बात ध्यान में रख, क्लियर है, समझ में आ गया। देखो भाई, इंजरी टू एड्रियल कॉर्टेक्स में इंजरी हुई है, यानी एड्रियल कॉर्टेक्स में इंजरी हुई है तो एड्रियल कॉर्टेक्स के हार्मोन नहीं निकलेंगे, है ना। तो एड्रियल कॉर्टेक्स के हार्मोन कौन कौन से हैं, बताओ जरा, कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन भी है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी है। ये एड्रेनलिन किसका है, ये एड्रेनल मेडुला का है, किसका, ये मेडुला का है ये हार्मोन, किसका, ये मेडुला का है, ये मेडुला का हार्मोन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन। क्लियर है, समझ में आ गया, आया हुआ क्वेश्चन है ये, सुनो इधर देखो, देखो भाई सुना, तो ये जो ग्लूकेगॉन होता है, तुम्हें पता होगा ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ये इंक्रीज करता है, ये क्या करता है, इंसुलिन, ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, पता है ना, ब्लड शुगर लेवल को, तभी तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है सर। और तुम्हें मैंने अभी भी बताया कॉर्टिसोन क्या होता है, मेन जो है पता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में करता है, अभी अभी बताया मैंने, कॉर्टिसोन या फिर कॉर्टिसोल कार्बोहाइड्रेट में करवाता है मेटाबॉलिज्म, याद है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाता है कॉर्टिसोल, याद है। और एल्डोस्टेरोन जो होता है वो मिनरल करवाता है, कहीं भी शुगर दिख रहा है कहीं, या कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, तो एल्डोस्टेरोन जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन शुगर का कुछ भी नहीं करवाता शुगर का, ठीक है। लेकिन जो है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर कॉर्टिसोल जो है वो क्या करवाता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, इसका आंसर अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसका आंसर आपका एल्डोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन जो है बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, वो तो सोडियम और वाटर बैलेंस को करने में हेल्प करता है, सोडियम और वाटर, है ना, वाटर का बैलेंस करता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये चैप्टर ये खत्म हो गया।